गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे। ये चैप्टर बहुत ही सरल है और बहुत ही स्कोरिंग है, इसी को सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे तो आपको आसानी से क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ कुछ श्रेणियाँ लेके चल रहे हैं, इसमें देखेंगे क्या विशेषता है। तो जैसे पहली श्रेणी है, उसमें पद हैं 1, 2, 3, 4। तो हम देखते हैं कि प्रत्येक पद में एक को जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता है। जैसे एक में एक को जोड़ा 2, 2 में एक को जोड़ा 3। इसी प्रकार दूसरी श्रेणी में देखते हैं कि 30 को घटाने पर अगला पद मिल रहा है। 100 में से 30 घटाए 70, 70 में से 30 घटाए 40, 40 में 30 घटाए 10। इसी प्रकार अगला पद मिलेगा। तीसरी श्रेणी में देखते हैं -3, उसमें एक को जोड़ने पर -2 मिलेगा, एक जोड़ने पर -1 मिलेगा, एक जोड़ने पर 0 मिलेगा, एक जोड़ने पर फिर 1 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, ऐसे अगले पद मिल जाएंगे। चौथी श्रेणी में देखते हैं कि 0 जोड़ने पर अगला पद मिल रहा है। पांचवी श्रेणी में देखते हैं कि -0.5 को जोड़ने पर अगला पद मिल रहा है। तो एक निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने पर हमको अगला पद मिल रहा है। वह जो निश्चित संख्या, फिक्स संख्या है, उसको हम सर्वांतर कहते हैं और हम इसकी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पहले पद से एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होता है और वह निश्चित संख्या को हम सर्वांतर कहते हैं। यह संख्या धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि T1 को हम बोलेंगे प्रथम पद, कितना हो जाएगा A1। T2 द्वितीय पद, इसका मान कैसे निकालेंगे? प्रथम पद में समांतर को जोड़ने पर। T3 तृतीय पद, इसको कैसे ज्ञात करेंगे? इसको हम नाम देंगे A2। तो A2 में सेकंड पद में D को जोड़ने पर तीसरा पद मिलेगा और इसकी वैल्यू कितनी दी है? A3। इसी प्रकार से हम आगे के पद निकालते रहेंगे। अब हम प्रश्नावली 5.1 को देखते हैं। इसमें हमको इन परिस्थितियों में समांतर श्रेणी है तो इसकी सूची बनाना है। तो प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है, तो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो श्रेणी कैसी बनेगी? प्रथम पद A1 इक्वल 15, द्वितीय पद A2, इसका मान कितना होगा? प्रथम पद प्लस D। तो यहाँ पर D जो आपका सर्वांतर है, इसका मान कितना है यहाँ पर? 8। तो यहाँ पर मान रख दीजिए 15 + 8 इक्वल 23। इसके बाद हम तृतीय पद कितना होगा? A3, इसका मान कैसे निकालेंगे? सेकंड पद में D को जोड़ने पर। सेकंड पद कितना है? 23, इसमें 8 को ऐड किया, कितना हो जाएगा? 31। इसी प्रकार चतुर्थ पद, इसका मान कितना होगा? A4, इसको कैसे ज्ञात करेंगे? तीसरे पद में D को जोड़ने पर। तो तीसरा पद कितना है? 31, इसमें 8 को ऐड किया तो आपको कितना मिल गया? 39। तो हम क्या निष्कर्ष पहुँचते हैं? श्रेणी कैसी होगी?
श्रेणी में आप 15, 23, 31, 39, डेट, ये आपका आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर टू में इसके प्रथम चार पद लिखना है। यहाँ प्रथम पद ए और डी का मान दिया हुआ है, तो प्रथम चार पद ज्ञात करना है। तो हम सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें ए वन, प्रथम पद कितना दिया हुआ, 10। फिर हम निकालेंगे सेकंड पद। सेकंड पद कैसे निकालेंगे, ए वन में डी को ऐड करने पर। तो ए वन दिया हुआ है 10 और डी दिया हुआ है 10, 20। इसके बाद हम ए थ्री ज्ञात करेंगे। ए थ्री कैसे ज्ञात करेंगे, ए टू में डी को ऐड करने पर। तो ए टू दिया है 20 और डी दिया हुआ 10, कितना हो जाएगा, 30। फिर इसके बाद हम ए फोर ज्ञात करेंगे। ए फोर कैसे ज्ञात करेंगे, थर्ड टर्म में डी को ऐड करने पर। तो थर्ड टर्म में दी है 30 और इसमें डी 10 को ऐड किया, तो कितना हो गया, 40। तो आपके आंसर जो हो गए क्या हो गए, 10, 20, 30 एंड 40। इसी प्रकार से आप सेकंड करेंगे। सेकंड में ए वन दिया हुआ है आपका -2, ए टू कितना हो जाएगा, -2 प्लस डी 0 दिया हुआ है, तो ये -2 रहेगा। ए थ्री कितना हो जाएगा, सेकंड टर्म ए टू प्लस डी, -2 प्लस 0 इक्वल -2। ए फोर, ए थ्री प्लस डी, ए थ्री कितना है, -2 और डी 0 इक्वल -2। तो आपका आंसर क्या हो गया, -2, -2, -2, -2। तो ये चार पद हो गए, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, हमको श्रेणी दी हुई है, प्रथम पद और सार्वांतर लिखना है। तो आप तीसरे का पहला देखेंगे, इसमें ए वन, प्रथम पद यहाँ दिया हुआ है 3। अब हमको डी ज्ञात करना है। डी कैसे ज्ञात करते हैं, सेकंड पद में से पहले पद को घटाने पर। तो सेकंड पद कितना है, 1 और पहला पद है 3, कितना मिलेगा हमको, -2। तो आंसर कितना हो गया, प्रथम पद है 3 और सार्वांतर है -2। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ए वन, प्रथम पद कितना दिया हुआ है, -5 और डी ज्ञात करना है हमको। तो डी होगा सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सबट्रैक्ट कर दिया, तो सेकंड टर्म है -1 और फर्स्ट टर्म है -5। तो हमको कितना मिल जाएगा, -1 + 5 = 4। तो आंसर कितना हो गया आपका, प्रथम पद है आपका -5 और सार्वांतर इक्वल टू कितना है, 4। ये आपका आंसर है, क्लियर। अब हमको अगले क्वेश्चन में समांतर श्रेणी में
सर्वांतर